नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, आप सभी को यह बता दूं कि जो पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान का हमदर्दी देश बना हुआ था और तालिबान को लगातार मदद कर रहा है, और अब ऐसे जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो अब टूटने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज तालिबानियों ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का एक प्रांत है वजीरिस्तान, वहाँ पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसे तालिबान का एक पाकिस्तानी संगठन माना जाता है, उसने बहुत बड़ा सुसाइड अटैक कर दिया है। और इसमें जो है वो पाकिस्तान की आर्मी और जवानों के साथ साथ सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। और खबरों के मुताबिक माने तो जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे, इस समय पाकिस्तानी आर्मी के 10 जवान मारे जा चुके हैं और इसके अलावा 20 से लेकर 25 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, तब से पाकिस्तान में बलूचिस्तान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम के विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना और आम नागरिकों के साथ साथ चीनी नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। और जब से 15 अगस्त हुआ है, तब से लगाकर अब तक पाकिस्तान पर कई बार हमले कर चुके हैं, जिसमें खबरों के मुताबिक माने तो अब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 200 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं पाकिस्तान के। और दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अब पाकिस्तान से ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि तालिबानियों पर पाकिस्तान प्रेशर बना सकता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का विद्रोही समूह है, उस पर लगाम लगाए। और यदि तालिबान पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानता है तो फिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरार पड़ सकती है। और दोस्तों, कई सारे एक्सपर्टों का ऐसा मानना है कि तालिबान ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बाकी आपके इस टॉपिक पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।